अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे एक बहुत अहम बात करने वाला हूं, एक ऐसी चीज जो आप सब सुन के दंग रह जाएंगे। तो मैं उससे पहले दो बातें पहले करना चाहता हूं। सबसे पहले, आज एक इजलास हो रहा है, इजलास में वो कोशिश होगी जो एक दफा इस मुल्क से पहले कोशिश हुई थी 1970-71 में। एक माइनॉरिटी बैठ के मेजॉरिटी को कोशिश करेगी कि किसी तरह इनको रेस से बाहर किया जाए, यानी उनकी कोशिश क्या होगी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए या इनको किसी तरह बाहर किया जाए इलेक्शन रेस से, क्योंकि उन सबको इलेक्शन हो गया तो उनकी ये जो हमारे ऊपर इनको मुसलत किया हुआ, इन सब की सियासी कब्रें खुल जाएंगी। तो लिहाजा ये आज कोशिश होगी पूरी। लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो इससे बहुत अहम है। आज हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ है जो कि मेरी जिंदगी में किसी जमहूरियत में इसकी मिसाल नहीं है। शायद आमरियत में हो, क्योंकि मैं तब क्रिकेट खेलता था, मुझे इतना याद नहीं है जनरल जियाउल हक के जमाने में, लेकिन मैंने सुना है कि पीपल्स पार्टी के लोगों से था इस तरह का, उनके हालात ऐसे थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ का मार्शल तो मैं जानता, मैंने कभी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं देखा। पता नहीं कितने सौ वर्कर्स यहां इधर से उठा लिए हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में पकड़ रहे हैं, फैसलाबाद में। यानी एक ऐसे है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कोई इतनी खौफनाक जमात है, कोई मुजरिमों की जमात है कि इनको जिधर पकड़ो इनको जेलों में डालो। मीडिया के ऊपर प्रेशर है कि इसको दिखाओ ना, जो एंकर जो मीडिया हाउस थोड़ा मुझे दिखाता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और आज मैं समझता था कि मैं अपनी सेंचुरी पूरी नहीं की, 97 मेरे ऊपर केसेस हैं। आज जब अदालत से पता चलवाया कि जनाब कितने टोटल केसेस तो बताएं, क्योंकि छुपाए हुए केसेस थे। जिस तरह हसन नियाजी को वो बेल लेके निकला है और जैसी बाहर निकला उसको पकड़ लिया और कोई और केस दे दिया उसका, तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूं। क्रिकेट में मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज केसेस के रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं। दहशतगर्दी के केसेस हैं, ज्यादातर दहशतगर्दी के केसेस हैं, और भी जो गद्दारी के केस हैं, तोहीन मजहब के केस, वो भी एक केस कर दिया। मदीना में किसी ने कुछ कहा इनको और मेरे ऊपर केस हो गया बैठे हुए। और उसके अलावा हर किस्म का केस। मुझे अपनी केसेस की तो फिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और ये झूठे केसेस के ऊपर, ये हम अब सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनली लिख रहे हैं। हम अपनी अदलिया से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया इस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करें। जो ऐसी एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ हुआ और एक तरफ सारे हमारे वर्कर्स पकड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं रैली निकालने की, तब हमारे ऊपर ही हमला और हमारे ऊपर ही केसेस। उसके बाद मिनारे पाकिस्तान का जलसा पीर को करना था, हम कोशिश पूरी कर रहे थे कि हम रमजान से पहले करें, वो इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। कल आज शुक्र है अदालत ने इजाजत दी, और इंशाल्लाह हफ्ते को इंशाल्लाह मुझे पूरा अपने लाहौर के लोगों की ऊपर उम्मीद है कि ये वो जलसा होगा जो सारा पाकिस्तान याद रखेगा, इसलिए कि सारा पाकिस्तान देखेगा कौम खड़ी किधर है। आज ये किस्म का रेफरेंडम होगा जो ये जुल्म हो रहा है आज हमारे ऊपर। एक जागी हुई कौम को आप देखेंगे हफ्ते को इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान। अब मैं आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज पता चला कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट हो गया है कि मैं वहां इस्लामाबाद की अदालत में पहुंच क्यों नहीं सका जो वादा किया हुआ था। मैं आज जरा बताना चाहता हूं कि मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, जरा देखें कि मेरे से हुआ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल या एक्स प्राइम मिनिस्टर से ऐसा हुआ जो मेरे
पिछले हफ्ते मेरे से हुआ है। मुझे 5 घंटे लगे वहां से टोल प्लाजा इस्लामाबाद के मोटरवे से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर पहुंचने के लिए, 5 घंटे लगे। सारी रास्ते नाके, सिर्फ एक आदमी के लिए मोटरवे तकरीबन बंद किया हुआ था, मेरे लिए। वह आसिफ जरदारी भी उस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गया है, नवाज शरीफ भी गया, दोनों इंटरनेशनल मुजरिम है। इनकी आप जरा गूगल करके देखें कि दुनिया में इनकी क्या रेपुटेशन है, इनके ऊपर किस तरह के मजमून लिखे हुए हैं, कितना पैसा इनका बाहर पड़ा है। एक दूसरे को इन्होंने करप्ट किया, एक दूसरे को जेलों में डाला हुआ है, जरदारी को जेलों में डाला हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने इनके खिलाफ क्या कहा है, जनरल बाजवा इनके मुतल्लिक क्या कहते थे जब तक कि डील नहीं होगी शहबाज शरीफ से। तो ये जब इसी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जाते थे तो कभी इनसे ऐसे हुआ है? मुझे सारा रास्ता नाकों के अंदर रोक रोक के जो भी मेरे साथ थे लोगों उनको काट दिया ताकि अकेला जाए इमरान खान। मुझे उस वक्त अंदाजा हो रहा था, मैं समझा इसलिए अकेला चाहते हैं कि उन्होंने मुझे पकड़ लेना है। मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि आज ये मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि यही तो यह सारा ड्रामा जमान पाक के बाहर हुआ। जो फौज आई हुई है, 3 तरफ से हमला हो रहा है जमान पाक की, पता नहीं कौन मुजरिम यहां छुपा हुआ है। तो जिस तरह की फौज वहां इकट्ठी की हुई थी, कभी किसी के लिए ऐसी फौज इकट्ठी की है? फिर जैसे जैसे हम करीब आता गया, लोग हमारे तो कोई, हमारा तो कारकुन कोई 4% भी नहीं था, बाकी तो सारे आम लोग, मुकामी लोग निकल के आ गए। सबको पता चल, सारी कौम को पता चल गया कि आज मुझे पकड़ना है इन्होंने। लोग खुद निकल के आ गए। जैसे ही मैं पास जाता रहा तो मैंने देखा कि पुलिस की नफरी बढ़ती गई और हमारे ऊपर अटैक हो गया टेयर गैस का। अब कोई कुछ नहीं कर रहा था, क्यों टेयर गैस फेंकी गई? इश्तियाल दिलवाने के लिए। मुझे नजर आया कि यह तो एक कोशिश की जा रही है कुछ साधन करने के लिए। फिर मैं रुका और मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब अब देखिए मेरे से हुआ क्या। फिर आगे गया, फिर टेयर गैस शेलिंग हो गई। भाई यहां भी मेरे साथ लोग गए लाहौर हाई कोर्ट में, पब्लिक साथ थी। जब अनाउंस हो जाता है कि मैं आ रहा हूं तो कारकुन ज्यादातर हमारे सारे आते हैं, साथ चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहां तो कुछ नहीं हुआ, यहां मैं गया कारकुन बाहर, मैं जाके अदालत में अटेंड करके वापस आ गया। इधर क्या मुश्किल थी कि अदालत कई चंद मील अदालत से पहले ही मेरे ऊपर टेयर गैसिंग शुरू हो गई। इश्तियाल दिलवाया, बड़ी मुश्किलों से अगर आप वो देखें मैं कैसे पहुंचा दरवाजे के ऊपर, और दरवाजे पे अभी पहुंच रहा हूं तो ऊपर से पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। कभी ऐसा देखा है कि एक पार्टी का लीडर पहुंच रहा है वहां और मेरे से पहले पत्थर मारने शुरू कर दिए? जरा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आपको भी मौका मिले तो जरा सिर्फ देखें कि कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ ऐसे हुआ है, ये जरा सीन्स देखें। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, पुलिस वाले ने पथराव जितना किया है इतनी मैंने शेलिंग भी नहीं की। ये बकायदा वीडियो, ये मेरे पास एक वीडियो नहीं है, ये मेरे पास 15-20 वीडियो है जिन्हें मैं तो बारी बारी ये पत्थर कर रहे थे, मार रहे थे। और ये भी नहीं कि कोई 1, 2, 4, 10, 20 भाई, पूरे पूरे उन्होंने स्टॉक रखा हुआ था, जैसे उन्होंने गोलियों और शेलों का स्टॉक रखा था। तो ये उन्हीं लोगों के लिए, ये देखो ये गवर्नमेंट, ये पुलिस किस तरह पत्थर मार रही, जो कि सदीक जान के भी चक्कर में उठा लिया गया कि जी पुलिस को जो है वो पत्थर नहीं मार रही। ये सबूत हैं जितने चाहिए मेरे पास पड़े हैं, मैंने यही चीजें कवरेज की जिन्होंने शेलिंग कवरेज की, पत्थर कवरेज किए, जिन जिनको लगे उनको भी कवरेज किया। तो ये जीता जाता सबूत आपके सामने है, इन बगावतों को, इन सदियों को, इन हदारामों को, इन वक्त के फिरौनों को, जजीदों को ये दिखाओ। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, कि छत के ऊपर पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं नीचे, अब नीचे से तो कोई पत्थर ऊपर जा नहीं सकता था, तो क्यों पत्थर मार रहे थे? सवाल यह है कि वो क्या अपने आपको वो अपनी दिफा कर रहे थे? फिर से मैं कहता हूं उतनी चौथी पांचवीं स्टोरी नीचे तो पत्थर जा ही नहीं रहा था, ऊपर टेयर गैस शेलिंग भी और पथराव भी। मैं 40 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि मैं किसी तरह अंदर जा सकूं, और 40 मिनट के बाद
जब थोड़ा सा सेटल हुआ मामला बाहर, क्योंकि लोगों को वहां तो लोग इंतजार शुरू हो गया था, जब पथराव हो रहा था वो भी वहां बाहर रहे थे। आखिर में जब थोड़ा सेटल हुआ 40 मिनट के बाद मैं अंदर घुसने की कोशिश की। पहले तो वो कोशिश करें कि गेट बाहर की तरफ खोले। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, गेट बाहर क्यों खोल रहे थे? क्योंकि गेट तो खुलते थे अंदर। बाद में जब मैं अंदर घुसा मुझे समझ आई वो कोशिश क्या कर रहे थे कि बाहर से गेट इस तरफ खोलें जिधर मेरी गाड़ी एंटर करी, ताकि जैसे ही गाड़ी अंदर जाए तो गेट बंद कर दें। वो गेट बाहर खुल ही नहीं रहे थे वो। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा हूं, अब ये सुने कि चीफ जस्टिस साहब, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, जरा ये सीन देखें कि ये कभी आज तक पॉलिटिकल लीडर से ये हुआ है जो मेरे सामने मनाजर आए हैं? ये जरा आप देखें। अब ये देखें कि ये जो मुनाजर थे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, 5 घंटे लगे यहां पहुंचने के लिए, किसी तरह मैं जाके अपनी पेशी करूं अदालत में। कोई इसमें पेशी कर सकता था अपनी? जान बचा के बाहर निकले, वो प्लान बना हुआ था पूरा। ये नहीं कि आगे वाले पुलिस वाले डंडे मार के कोशिश कर रहे थे कोई अंदर ना आए, पीछे से वो डंडे क्यों चला रहे थे? तो साधन करने के लिए प्लान क्या था? प्लान ये था कि जैसे ही मैंने अंदर जाना था दरवाजे इन्होंने पीछे बंद करने थे। वो FC पुलिस इतनी तादाद में नामालूम अफराद, जो मैंने पहले दिखाया आपको, जो अपने वो चीजें पकड़ के अंदर घुस गए थे, जिनके पास पिस्टल्स थे, वो इतनी बड़ी फोर्स अंदर थी, मुझे बंद कर देना था। और ये मैं जब आपको बताऊं कि प्लान ये था कि मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था इन्होंने, आपस में लूड़ा कुश्ती करनी थी, वो जी तसादम में वो मारा गया, ये प्लान था। और उसके बाद आप देखें कि मैं जब वहां से बाहर निकला हूं, जरा सूरत हाल देखें कि अब मैं बाहर निकला हूं टेयर गैसिंग क्यों शुरू हो गई। यानी मुश्किल से अब अपनी जान बचा के वहां से निकले हैं। वो तो अल्लाह ने कोई कर्म करना था, उसका तो है कि एक इंसान प्लान बनाता है और एक मैं बनाता हूं, तो एक अल्लाह का कर्म था कि हम वहां से बच के निकल गए। वहां बाद में मुझे पुलिस वालों ने बताया, CTD की वर्दी के अंदर वहां नामालूम लोगों ने वर्दी पहनी हुई थी CTD की। मुझे पुलिस वालों से इंफॉर्मेशन मिली आहिस्ता आहिस्ता कि वहां होना क्या वाला था सारा। उन्होंने जो क्लोज सर्किट वो जो कैमराज थे वो फुटेज ही निकाल के ले गए। क्यों निकाल के ले गए? पहले 24 घंटे उन्होंने सिक्योर की हुए एरिया। क्या कौन आ रहा था वहां? क्या कुछ दहशतगर्द आ रहा था? क्या करने आ रहा था? 50 साल से कौम मुझे जानती है, कितनी दफा मैंने कानून तोड़ा है। पूरा प्लान बना हुआ था मुझे वहां कत्ल करने का। IG बरस पड़ा पुलिस के ऊपर कि तुमने क्यों निकलने दिया उसको। IG को देखे, ये पूरी तरह इस बाकी पुलिस नहीं शामिल थी इसमें, उनको अंदाजा हो रहा था, लेकिन IG पूरी तरह शामिल था। बरस पड़ा, कैसे तुमने उसे निकलने दिया? उसके बाद आप जरा सुने, अब मैं आपको दूसरी चीज पे आने लगा हूं। मुझे जो ये प्लान पता चला है, मैं इसलिए आज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज शाम को हो सकता है ये ऑपरेशन करें। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, जो यहां हो रहा है मेरी ये समझ से बाहर है। मुझे जो कत्ल करने की ये जो मुझे गोलियां लगी, ये अल्लाह का कोई खास कोई कर्म था कि उसने मुझे बचा लिया, जो वजीराबाद में मेरे से हुआ।
डेढ़ महीना पहले मैं लगा रहा कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना है। मैं कहता रहा, मैंने दो जलसों में बताया, मैंने अपनी सारी सारी मेरी टीम को मैंने बताया होता कि यह होने वाला है। आज सारी उसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं, जितना जीआईटी का रिकॉर्ड है उसको तबाह किया जा रहा है। कौन कर रहे है? क्यों किया जा रहा है? किसको खौफ है? कौन इतना ताकतवर है? तो मेरी बात सुने, अब एक और प्लान बना है, और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया। जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है, और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं। इन्होंने दो स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने दो स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के चार पांच पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर, ये जो लोग भेजेंगे क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने चार पांच पुलिस वालों को कत्ल करना है, और उसके बाद वहां से अटैक आना है, उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं, मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके पांच लोग ये कत्ल करेंगे सिर्फ और सिर्फ भाना मार के यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना, ये जो मर्जी करें हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया, वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए, इस बार ही अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना, और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आए और जो मर्जी, अगर वो कोई, उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है रिक्वेस्ट आए, अगर आपने कोई वारंट भी लिया है कोई नया, तो वो मेरे पास आए, और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। इसलिए मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किसी किस्म के तसादम नहीं पड़ना। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर आपके चार पांच लोग मारने हैं, और उसके ऊपर इन्होंने अपना जो प्लान, वही मॉडल टाउन और उसके बाद मुर्तजा भुट्टो टाइप मेरा कत्ल करना है। मैं आज सारी कौम के सामने रख रहा हूं, क्योंकि यहां पहले प्लान, जो प्लान फेल होते रहे, अब ये एक्सट्रीम पर चले गए हैं। या मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक कि हम, यानी ये कौन लोग फैसले कर रहे हैं, ये किस, ये तो कोई दुश्मन भी ना अपने मुल्क से ऐसे करे। वो उनका तो मुझे पता है, वो जो दो बार बैठे, एक बार बैठा हुआ है और एक ये दूसरा जरदारी है, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? इनके कम से कम अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, जितना हम आईएमएफ से पैसा लेते हैं ना, उससे ज्यादा पैसा डॉलर इनके बाहर पड़े हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने पैसे बचाना है, इनका कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है कि इसके बाद अगर कत्ल हो जाता तो फिर क्या होगा, तसादम होगा, इनको फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ पैसे की फिक्र पड़ी हुई है। जो इसहाक डार ने सेनेट में कहा कि आईएमएफ और अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने जोड़ दिया, और आईएमएफ ने बड़ा सख्ती से उसकी मजम्मत की, इसके पीछे क्या है, मुझे क्या शक है, जिन लोगों का पाकिस्तान में स्टेक नहीं, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे, हम सौदा कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो सब कुछ बाहर पड़ा है। पाकिस्तान अगर गुलामी करता है उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको कब फर्क पड़ा है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है,
उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इसको कत्ल कर दे। वो जो नवाज शरीफ ने कहा जी हां एक महीना शोर में चक्कर चुप हो जाएगा। आखिर में मैं अपनी कौम, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने नौजवानों से, देखें ये बड़े आपने समझनी है एक चीज कि देखें ये जुल्म जो हमारे ऊपर हो रहा है, ये जो मुझे कोशिश कर रही है मारने की, इसका मकसद सिर्फ एक है कि इंसानों को जानवरों की तरह रखो, भेड़ बकरियों की तरह रखो, खौफ की वजह से। जो खौफ का बुत है ये याद रखे इंसानी तारीख पे ये इंसानों को गुलाम बनाता है, जो इसके सामने झुकता है वो गुलाम बन जाता है। जान तो मेरी खतरे में है, मैं तो खड़ा हूं, मुझे जहां पता था जब मैं जा रहा था इस्लामाबाद के, या मुझे जेल में डालेंगे या मार देंगे, मैं तो फिर भी गया। अल्लाह पे यकीन है मुझे, अगर उसका फैसला है तो वो तो उसने वैसे ले लेना है। लेकिन आप सबको मैं आज कह रहा हूं, ये जिस तरह के मुजरायम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और ये जो हमें अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, साथ मिले हुए हैंडलर्स, मेरी कौम एक बात सुन लेना कि अगर इस तरह ये मुल्क के ऊपर बैठे रहे आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 11 महीने में इन्होंने हमारे मुल्क को घुटनों पे ले आए, आज पाकिस्तान की कोई दुनिया में इज्जत नहीं है, बेकारियों की क्या इज्जत होती है, आज कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आज पहली दफा पाकिस्तान में आटे के ऊपर 3 लोग अब तक मर चुके हैं क्योंकि आटा 3 गुना ज्यादा महंगा, जब हम छोड़ के गए तो उसे 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया। इन्होंने तो अपनी चोरियां माफ करवा ली 1100 अरब रुपए की, कौम का इन्होंने आज उधर पहुंचा दिया है। मुझे खौफ आ रहा है कि आगे किधर जाएंगे, यह मजीद और बिगड़ने लगा है। मैं आपको कह रहा हूं महंगाई अभी और आएगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आपको और नौजवानों मेरा आपको यह पैगाम है कि देखें अगर अल्लाह शहनशाह है, उसका फैसला अभी तक मुझे बचाता रहे और उसका फैसला हो सकता है मुझे ऊपर ले जाए, आपने सबने मेरे से वादा करना है कि किसी खौफ के बिना आपने किस इनके सामने इनको माफ नहीं करना, इनके सामने खड़े होना है। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी कौम जो गुलाम होती है उसकी कोई परवाज नहीं होती। मौलाना रूमी ने जब कहा ना कि अल्लाह ने जब तुम्हें पढ़ दिया है क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो, गुलाम रींगते हैं जमीन पे। इलामा इकबाल की सारी शायरी गुलाम हिंदू मुसलमान जो हिंदुस्तान में थे उनको जगाने की शायरी थी, क्योंकि वो जगाते रहे के कहते हैं वो शाहीन बनो, जंजीरें तोड़ो, ऊपर जाओ। और जंजीर सबसे सबसे जो जंजीर हमें जमीन पर रखती है वो खौफ की जंजीर है। हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, खौफ हरासा पिला रहे हैं। कोई आपको समझना चाहिए कि जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता क्योंकि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। और ये जो पुलिस वालों से गलत काम करवाते हैं, मैं सारे पुलिस वालों से और जो भी तनख्वाहदार हैं सरकारी महकमे में रेंजर्स है सब है, मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी रिस्क के गुलाम ना बने, अपनी तनख्वाह के गुलाम ना बने। अपना जो जमीर है अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ सब इंसानों के लिए कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, राय हक पे खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, इंसाफ के लिए जहाद लड़ो। सारों को मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि देखिए अगर आप इस वक्त पुरमन तरीके से इत्तेजाज ना किया आपने, ये जुल्म जो हो रहा है इस मुल्क से, हमेशा के लिए आप गुलामी करेंगे और गुलामी इन चोरों की करेंगे, कोई आपका मुस्तकबिल नहीं है। अब तक 8-9 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, जो छोड़ के जाते हैं कई उनमें से बिजनेसेस थी बेरोजगार करके चले गए लोगों को, पढ़े लिखे जो मुल्क पैसा खर्च करता है जिनके ऊपर वो छोड़ के चले गए। शौकत खानम से 4 बड़ा मुश्किल है कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 4 हमारे अहम डॉक्टर्स वो छोड़ के चले गए, लोग मायूस हो गए हैं। ये तरीका नहीं है छोड़ के जाने का, खड़े होकर लड़ने का है, जहाद लड़ने का है। और आप सबको मैं जेल में जाता हूं या मुझे ये कुछ कर देते हैं, आप सबने खड़े होना है, कभी हार नहीं माननी, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना आपने। और मैं समझता हूं कि अल्लाह
واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا انہوں نے آج کا, میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیے ان کے ذہن, پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے نہ ان کو کچھ سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے, ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے. اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی, یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مچ جائے, سول وار ہو جائے, تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو. انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویاں کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا پاکستان